ये देखिए कितना अच्छा ये दानेदार मावा निकल के तैयार हो चुका है और घी भी निकाल सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपको सिर्फ 3 दिन की मलाई से ही ये मावा और ये घी निकाल कर दिखाऊंगी। बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये मावा बन के तैयार होता है। आपको पता है त्योहारों पर कई ऐसी मिठाइयाँ बनती हैं जिसमें घी की ज़रूरत रहती है और मावा की तो रहती ही है। तो आप घर पर ही इजीली मलाई से ही ये मावा और घी निकाल कर तैयार कर सकेंगे। ये देखिए, ये मलाई मैंने सिर्फ 3 दिन की ली है और इसको मैंने बाहर निकाल दिया था फ्रीजर से, क्योंकि जब मुझे मावा बनाना होता है तो मैं फ्रीजर में रखी रहती हूँ ये मलाई। और ये देखिए, मैं इसको पका रही हूँ। जैसे ही इसमें हल्का सा उबाल आया, इसमें मैं थोड़ा सा ये कच्चा आटा डाल रही हूँ। जिस आटे की आप रोटी बना के तैयार करती हैं ना, वही आटा ऐड कर रही हूँ और धीरे धीरे करके इसको चलाती रहूँगी। थोड़ी थोड़ी देर में ही 2 से 3 बार आपको ये आटा डालना है। जितना आपकी मलाई है उसी के अकॉर्डिंग ही आपको ये आटे का यूज करना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, मलाई आपको ज़्यादा दिन की यूज नहीं करना है। ये देखिए, दोबारा से भी मैंने इसमें आटा डाल दिया है और इस तरह से धीरे धीरे करके मैं इसको फिर से चलाती रहूँगी। और देख सकते हैं, थोड़ी ही देर में ये बबलिंग जैसे ही आने लगे तो आप समझ जाएँ ये घी निकलने ही वाला है। आपको पता है त्योहारों पर मावा इतना अच्छा नहीं मिलता है, काफ़ी कॉस्टली भी आता है। तो आप घर पर ही दूध की मलाई से ही ये मावा और घी बना सकते हैं और घर पर बहुत ही टेस्टी टेस्टी मिठाइयाँ बना सकते हैं। तो ये देखिए, थोड़ी ही देर में इसमें घी निकलने लगा है। अगर आप इस तरह से ये प्रोसेस करेंगे तो आपका मावा जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा दानेदार बन के तैयार होगा। ये देखिए, तो जब इस तरह से ये बनने लगे तो आप समझ जाएं ये मावा तैयार है। आप गैस की फ्लेम ऑफ कर दें और थोड़ी ही देर में ये अपने आप ही इसमें गुलाबी पन सा आ जाएगा। ये पूरी तरह से ही तैयार हो चुकी है। आपको ध्यान रखना है, ये मावा आप व्रत में यूज नहीं कर सकती और ये घी पूजा में यूज नहीं कर सकती। लेकिन ऐसा नहीं है इनसे बनी हुई मिठाई आप पूजा में यूज नहीं कर सकते, वो तो आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं सबसे पहले धीरे धीरे करके इसको छानती जाऊंगी और इसको जो मावा निकला है वो एक साइड करती जाऊंगी इसी पैन में ही, जिससे जो एक्स्ट्रा घी है वो साइड में निकलता जाएगा। तो इसी तरह से ही आपको भी ये घी निकालते जाना है। बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये घी और मावा आप दोनों ही निकाल सकते हैं अगर आप इस तरह से ये सारी प्रोसेस करेंगे। और ये देखिए, साइड में भी इसके घी निकल आता है। तो ये तो हो ही चुकी है सारी प्रोसेस और मावा तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा, कोई बोल ही नहीं सकता कि ये मावा आपने मलाई से बनाकर तैयार किया है, वो भी इतना अच्छा दानेदार। तो चलिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ कितना मावा ये निकल कर तैयार हुआ है। हालांकि अभी पूरी तरह से ही मावे में से घी नहीं निकला है, मैं आपको दिखाऊंगी कितना एक्स्ट्रा घी इसमें और निकलता चला जा रहा है। ये देखिए, तो मैं आपको पूरी तरह से ही ये दिखाती जा रही हूँ। कोई भी मिठाई आप इस मावा से बनाकर तैयार कर सकेंगे, गुजिया हो या किसी भी मिठाई में आपको ये इसका यूज करना हो मावे का। और घी तो बहुत ज़्यादा शुद्ध रहता ही है, वैसे भी मलाई से सभी लोग निकालते हैं। तो आप भी अपने घर पर इस तरह से ये मावा और घी निकाल कर तैयार कर सकेंगे। त्योहारों पर इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये देखिए, बहुत ज़्यादा घी है इसमें अभी, तो मैंने आपको सिर्फ मावा ये निकाल कर दिखाया है कि सिर्फ 3 दिन की मलाई में इतना आप मावा निकाल सकती हैं। अब मैं इस मावे को फिर से पैन में डाल दूंगी, साइड्स में कर दूंगी, जिससे जो एक्स्ट्रा घी है वो निकल आएगा। और ये घी का यूज भी आप कोई सी भी मिठाई बनाने में कर सकते हैं। तो मज़ेदार ये दानेदार मावा तैयार हो चुका है। कैसा लग रहा है जो बताएं, कोई सजेशन हो तो ज़रूर दें और कॉमेंट करके जो बताएँ कि क्या आप भी यही प्रोसेस करते हैं मावा निकालने की कि आप मार्केट से मंगाते हैं। कोशिश यही करें त्योहारों पर घर पर ही इसी तरह से ही काम चलाएं, बिल्कुल भी मार्केट से ना खरीदें, क्योंकि काफ़ी मिलावटी चीज़ें आती हैं इसीलिए। और ये देखिए, मैंने साइड में रख दिया था ये मावा फिर से और इसमें ये इतना घी निकलता चला जा रहा है। अगर पसंद आती है ये वीडियो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई सजेशन हो तो ज़रूर दें। थैंक यू।